Leg mir ein bisschen ins Herz. Wenn wir es schau hier. Towards upward direction, and it speaks about the true reality of life. Even in life, we always move ups, absolutely upwards. And let us look at the positivity during 2020. We have with us Miss Dolathy, who's there. और एक दूसरी मूवी आई है एसिड, उसमें एक पूरी एसिड विक्टिम की स्टोरीज है और अमृता मैम वो इंसान है जो पूरे विक्टिम्स को उन्होंने आगे किया था। और ये जो भी यहाँ जिंदगी की लड़ाई लड़ के और आगे बढ़े हैं इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये जीते रहे और जीतते रहे। यही कहना चाहूँगा समाज को भी ये जानना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ये एक सीख निकलनी चाहिए जहाँ हर एक के पास ये उसका एक उसूल बनना चाहिए कि जिंदगी के उदास चेहरे पर अहद माजी का जख्म ताज़ा है, यही वक्त का तकाजा है। अरे फेंक तो नफरत की तलवारें, तोड़ तो दुश्मनी की दीवारें, आज इंसानियत के रिश्ते को तस्लीम कर बुझा कर लो, क्योंकि मैं ही मरियम मैं सीता हूँ मैं कुरान मैं गीता हूँ। प्लीज तालियां बजाइए फॉर ऑल दिस ब्यूटीफुल क्वींस। थैंक यू टू आवर वेरी लवली मिसेस अमृता फर्नांडिस। मैम आप ही दीजिए प्लीज। मैम थैंक यू डियर मैम, थैंक यू सो मच। पीछे वाले आप बिल्कुल तालियां नहीं बजा रहे हैं, शायद आप पेंटिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं। वह पेंटिंग्स का ऑक्शन होने जा रहा है, आपने पेंटिंग। थैंक यू वेरी मच मैम, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। वी आर गोइंग टू हैव द परफेक्ट फोटो ऑफ वी आर गोइंग टू हैव द गर्ल सिटिंग हियर वन माली डिनर प्लीज।
मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हूँ जो आकृति आर्ट्स फाउंडेशन लोढ़ा फाउंडेशन मंजू लोढ़ा जी ने इसे सबके सामने आज ये प्रस्तुत करने वाले हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि एसिड अटैक विक्टिम्स, जिसको मैं विक्टिम्स नहीं कहती, विक्टर्स कहती हूँ, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी सहानुभूति की नहीं, बल्कि हमारे सपोर्ट की, हमारे प्यार की। और वो चाहते हैं कि उन्हें हम अपने जैसे ही देखें और उनको सपोर्ट करें, चाहे वो थोड़ा फाइनेंशियली हो, क्योंकि मैक्सिमम एसिड अटैक विक्टिम्स गरीब घरों से आते हैं, तो फाइनेंशियली, मेडिकली या इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो चाहिए वो अगर हम सब मिलके दे पाए तो आई थिंक सो ये लोग एक बहुत नॉर्मल जिंदगियां बिता पाएंगे। और जिन दरिंदों ने उनके साथ ऐसा किया है उनके लिए भी एक सीख रहेगी कि वो एक चेहरा मिटा सकते हैं पर वो आत्मा जो उसे स्पिरिट रहता है उसे कभी नहीं मिटा सकते। इसके अलावा एक फिल्म भी आई है छपाक करके जो ऐसे विक्टिम्स के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि फिल्म जो है बहुत बड़ा मीडियम है लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में और भी बननी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े इस बात को लेकर? इनफैक्ट मैं खुद देखना चाहूँगी ये जो फिल्म आ रही है छपाक, और ऐसे सब्जेक्ट्स उठाए जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आपने कहा फिल्म जो मीडियम है वो हर तरफ पहुंचती है और एक अलग उसका इफ़ेक्ट होता है। तो इस मीडियम से जैसे ये जागृति होगी लोगों में कि हमने ट्रीटमेंट कैसी देनी चाहिए एसिड विक्टर्स को और लोगों का नज़रिया किस तरीके से बदलना चाहिए, स्पेशली आदमियों का, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है हर जनरेशन। आप क्या कहना चाहेंगे इनिशिएटिव के बारे में और मतलब कैसे आप लोग साथ में थोड़ा सा? जैसे मनमोहन जी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि भाभी मैं ये ऐसा कार्यक्रम करना चाहता हूँ, फिर इन्होंने मुझे नाम दिया गिफ्टिंग स्माइल, तो मुझे इस नाम ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया कि हम किसी को चेहरे पर अगर मुस्कान ला सकते हैं तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। और हमारा जीवन भी तभी सफल है जब हमारी वजह से किसी और चेहरे पर मुस्कान आती है। हम अपने ही अपने लिए जीते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, अगर लेकिन हम किसी और के लिए जिएं, किसी और चेहरे पर मुस्कुराहट लाएँ, तो इस नाम ने आकर्षित किया और मैं इनसे जुड़ी। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ जुड़ूंगी। और इसके अलावा क्योंकि अमृता जी पहले भी ये कार्यक्रम कर चुकी हैं और ये इनके दिल के बहुत करीब है और मैं उनके कार्यक्रम में भी गई थी, तब से मेरे मन में एक इच्छा थी कि नहीं, मुझे इस तरह के कार्यक्रम में कहीं न कहीं जुड़ना है। और हम सब चाहें तो इस तरह से जुड़ सकते हैं और हर एक चेहरे पर एक मुस्कान ला सकते हैं। कहते हैं कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दें हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। ऐसा फिर से ना हो सब लोगों के साथ, तो क्या करना चाहिए एजुकेशन के मामले में और क्या कुछ और करना चाहिए अगर उस बारे में? एक तो बच्चों को, जो लड़के होते हैं उनको बचपन से ये संस्कार देने चाहिए कि हर जो दूसरी बेटी और है कि दूसरे घरों की जो भी लड़कियां हैं वो तुम्हारी बहन के समान है, माँ के समान है। और अक्सर क्या होता है, हम घर में लड़कियों को तो संस्कार देने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़के उच्छृंखल रह जाते हैं। लेकिन अब ये कोशिश करनी होगी कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी हमारी जो भी संस्कृति है उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए और हर एक का आदर मान करना सिखाना चाहिए। और दूसरा, मैं तो अमृता जी से कहूँगी कि एक ऐसा कानून लाया जाए जहाँ ऐसे जिन्होंने भी किसी के चेहरे पर एसिड फेंका है उनको बिल्कुल जमानत नहीं होनी चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए, तब जाकर ये रुकेंगे कहीं कहीं। क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि उसने मुझे पसंद नहीं किया इसलिए उसने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि प्यार तो ये दो दिलों के मिलन का नाम है, कि कोई किसी को पसंद करे और नहीं वो ना पसंद करे तो आप एसिड फेंक दो, ये तो कोई बात नहीं हुई है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं करीबन 10 सालों से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मैं इवेंट्स वगैरह में ही काफ़ी ऐसे विक्टिम्स से मिला
तो मैंने इसको समझने का कोशिश किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में बहुत फिलान्थ्रोपिक लोग भी हैं, बहुत अच्छे एनजीओज भी, कुछ अच्छे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं, सहायता पहुंचा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी हमको कभी कोई फंड या कुछ कोटा मिल जाता है, वेरी गुड। बट इससे आगे बढ़ के जैसे हमारी एक हमारी संस्कृति में एक कहावत है कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म या भगवान उसी की रक्षा करता है जो खुद की रक्षा कर सकता है। तो हम सरकार और एनजीओ से आगे निकल के सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए हम खुद क्या करना चाहते हैं और हम उनको क्या कर सकते हैं। एक नई साल की शुरुआत है, अगर कोई जीवन में सचमुच नया बदलाव लाना चाहता है तो हम उनको स्किल्ड करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए हम उनको काउंसिल करेंगे और संबंधित लोगों से हम जोड़ेंगे, हम इस तरह के वर्कशॉप रखेंगे और उनको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इवेंट है और वो चले गए, हम चले गए, हम उनसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से उनको हम थोड़ा उनके ज़िंदगी को अच्छे बनाने की कोशिश करें जो सचमुच एक बदलाव चाहते हैं। सर आज का जो इवेंट है उसमें मतलब फंड रेजर कह सकते हैं हम लोग उनके लिए? समाज में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मुझे जिंदगी में कभी सभी अच्छे लोग ही मिले। मेरी बड़ी बहन है मेरा बहन जो भाभी और एम्पल मिशन अलीम बोरारका जी और एक कोठारी साहब हैं और भी बहुत सारे सपोर्टिव फ्रेंड हैं छोटे मोटे जो सभी ने कुछ किया। ये एक आदमी का मैनेजमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ी टीम है। फिर हमारा केसी कॉलेज का एक यूथ विंग है रोटरी क्लब का, जो बच्चे हेल्प करते हैं किसी अच्छे सोशल काम में, वो टीम भी है। बहुत सारे अंकेश जैन हैं, ये सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, अरविंद जी हैं, बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं ले सकता। तो आई एम द फेस बट देयर इज़ अ टीम। हमने इतना अच्छा काम किया तो लोगों को इतना अच्छा लगा, लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। कि प्रियंका सिंह जी हैं जिन्होंने एक फिल्म भी बनाई है, ये रांची से तबीयत खराब होने के बाद आई हैं, इन्होंने भी एक फिल्म बनाई है, इनकी फिल्म 3 दिन पहले रिलीज हुई है। एक तो छपा का ही है उसको तो सब जानते हैं, इन्होंने भी एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है और इनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा है, इनके बिना तो संभव नहीं था। कैसे हैं आप? आइए आइए। देखिए आपको पता होगा कि एसिड अटैक विक्टिम्स जो महाराष्ट्र के हैं, ड्यूरिंग अभी बीजेपी शिवसेना का जो रिजीम था तब 5 लाख पर विक्टिम्स फॉर ऑपरेशंस एंड ऑल रिहैबिलिटेशन अप्रूव किए गए और हर विक्टिम को इमीडिएटली दिए जाते हैं, पर इतना भी इनफ नहीं होता है। कई डॉक्टर्स हैं जो सामने आते हैं, स्पेशली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो वो आगे आते हैं और वो उनको फ्री में इलाज करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही कई एनजीओस उनको, चाहे वो जॉब्स हो, जैसे अभी ये बात कर रहे हैं, स्किलिंग हो या मेंटल काउंसलिंग हो, इसके लिए सामने आते हैं। तो सब मिलके अगर अपना योगदान करें तो उनको रिहैबिलिटेट करना मुझे नहीं लगता मुश्किल है। और स्पेशली भारत देश जहाँ 85% ऑफ द टोटल विक्टिम्स होते हैं, यहाँ तो सबने आगे आके ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी ने कहा इट्स ऑल अबाउट द जॉनर ऑफ दीज पीपल हु हैव टू बी एक्नॉलेज्ड एंड टेकन फॉरवर्ड। आज जो तेजाब फेंकता है वो ये सोचता है कि उनकी ज़िंदगी वहाँ रुक गई है या ठहराव आ जाएगा, बट हम ये बिलीव करते हैं कि वो ज़िंदगी वहाँ शुरू करती है लड़कियाँ। इट्स दैट न्यू बिगनिंग, न्यू एरा फॉर देम। तो दे शुड बी एनकरेज एंड टेकन फॉरवर्ड टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। इट्स पीपल अराउंड द सोसाइटी, जैसे इवन लक्ष्मी जस्ट कोटेड दैट के सबसे ज़्यादा समाज उनको परेशान करता है। तो आज हमारी ड्यूटी है हम इंश्योर करें कि उनको जितनी हम सहूलियत दे सकें वो दी जाए। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का इनिशिएटिव दिया है, मैम भी है यहाँ पर, मैम
मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मनमोहन जी को कि मुझे भी उसके लिए उपयुक्त समझा, मुझे बुलाया। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक प्रकार की मानसिक विकृति है और ये विकृति फैले ना समाज में, इसके लिए सबको काम करना चाहिए। और जिन लोगों के ऊपर एसिड अटैक हुआ है उनके तरफ देखने का नज़रिया भी समाज का है जो बदलना बहुत ज़रूरी है। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि एक एक अटैक में इतने मल्टीपल सर्जरीज करने के बाद भी नॉर्मलाइज नहीं होता है और उनको हमेशा एक हीन भावना उनके मन में रहती है कि मेरा चेहरा ठीक नहीं है, लोग किस तरह से मुझे देख रहे हैं। तो वो जो अंदर से हिम्मत है उनकी वो टूटे नहीं, इसके लिए हमको पूरी तरह से एकजुट होकर के काम करना पड़ा। मैडम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से बहुत करीबी मेरा रिश्ता पिछले कई सालों से रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कम से कम महाराष्ट्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग काफ़ी अवेयर हैं, कानून के बारे में अवेयर हैं और समाज भी काफ़ी दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफ़ी हम लोग ऊँचे स्तर पर हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से और उसको आप प्रसिद्धि देंगे तो बहुत बड़ा एक सामाजिक काम होगा। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, मनमोहन जी ने मुझे यह इनवाइट किया। सॉरी यह गलत प्रॉब्लम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि मनमोहन जी ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। ये सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव है कि मैंने सोचा कि इस पर फिल्म बनाऊँ। 3rd of Jan को मेरी फिल्म भी आई है एसिड पे, तो मैंने यही दिखाने की कोशिश की अपने फिल्म में ये जो सोच जो पनपती है वो कहाँ से पनपती है, ये जो थोड़े से गुस्से के लिए किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना वो आती कहाँ से है, ये सोच उसके घर से। आप अगर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखना चाहोगे तो वो कहीं से भी ना वो चोर है, ना डाकू है, ना कुछ है, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं होता है, बट फिर भी वो इतनी बड़ी हिम्मत करते हैं कि किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो संस्कार है घर से मिलनी चाहिए, आसपास पड़ोस के जो फ्रेंडशिप होती है, जो लोग होते हैं, अगर अच्छे माहौल में रहें, अच्छी शिक्षा मिले, एजुकेशन अच्छा हो, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की घटना नहीं घटेगी सोसाइटी में। तो मैं अपील करूँगी कि लोग जो अपनी फैमिली में हैं अपने बच्चों को, खास करके लड़कों को, ना सुनने की आदत डालें कि अगर वो ना का मतलब नो का मतलब नो होता है, उससे आगे कुछ नहीं होता है। आप उस नो के वजह से उसको अपने ऊपर ईगो पे लेकर के आप किसी की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर गिफ्टिंग स्माइल्स। थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू। दोस्तों, वी आर गोना हैव अ पेंटिंग ऑक्शन प्रीटी सून एंड लेट्स गिव इट।